क्या आप जानते हो कि जब इंसान के शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाले 7 चक्र जब पूरी तरह से अनबैलेंस या ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो उसके मन और शरीर पर बहुत कुछ ऐसा प्रभाव पड़ने लगता है जिसके कारण ही उसकी लाइफ बहुत से तरीकों से गलत रास्तों पर जाने लगती है और ऐसा होने पर इंसान बेमतलबी बहुत सी चिंताओं और डरों में अपनी लाइफ को जीने के लिए मजबूर होने लगता है। इसलिए आज जानेंगे कि जब इन 7 चक्रों में से कोई सा भी चक्र अनबैलेंस्ड या ब्लॉक्ड हो जाता है तो किस किस तरह की परेशानियां कोई इंसान अपनी लाइफ में फेस करना शुरू कर देता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले चक्र रूट चक्र या मूलाधार चक्र के अनबैलेंस्ड या ब्लॉक होने पर होने वाली परेशानी की बात करें तो ऐसा इंसान बेमतलबी बहुत सी चिंताओं और डरों में जीने लगता है। उसको बेमतलबी अपनी व अपने करीबियों की जान का खतरा सताने लगता है और वह हर चीज को शक की नजरों से ही देखने लगता है क्योंकि उसको लगने लगता है कि जैसे दुनिया का हर जीव या हर चीज उसका ही फायदा उठाना चाहती है और वह इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको अपने खुश रहने या पैसे आदि कमाने के रिसोर्सेस पर भी शक होने लगता है कि वे कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं या जल्दी खत्म हो जाएंगे या कोई उसका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है और इस समय ऐसा इंसान पूरी तरह से निगेटिव सोच रखने वाला बन जाता है और अपने आप को किसी भी लेवल पर सिक्योर महसूस नहीं करता है और इस समय ऐसे इंसान की सेहत पूरी तरह से डावाडोल होने लगती है। उसके पास कोई भी वजह ऐसी बचती हुई नहीं दिखती है जिसके लिए वह अपने आप को एक्साइटेड महसूस कर सके क्योंकि इसी चक्र के ब्लॉक्ड होने के कारण वह अपने दिमाग का सही से प्रयोग नहीं कर पाता है क्योंकि उसके शरीर में इस समय वह एनर्जी बचती नहीं है जिसको हम स्टैमिना कहते हैं जिसके दम पर ही किसी का दिमाग सही से काम करता है। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसी ही मानसिक स्थिति बन रही है तो उसको बिल्कुल क्लियरली समझ जाना चाहिए कि उसका मूलाधार या रूट चक्रा ही अनबैलेंस्ड या ब्लॉक है। इसलिए अब अगर दूसरे चक्र सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र के अनबैलेंस या ब्लॉक होने की बात करें तो जब भी यह चक्र किसी का सही से काम नहीं करता है तो ऐसा इंसान अपने अंदर किसी भी तरह के इमोशंस को सही से महसूस नहीं कर पाता है और उसको हर समय ऐसा लगने लगता है जैसे उसके अंदर किसी भी तरह के इमोशंस बचे ही ना हो और इसलिए बस एक ही संभोग का इमोशन सबसे ज्यादा ऐसे इंसान के अंदर हावी हो जाता है और ऐसे इंसान के अंदर पूरी तरह से गिल्ट की भावना अपना घर कर जाती है क्योंकि ऐसा इंसान जब किसी भी तरह की खुशी और सुख को सही से महसूस ही नहीं कर पाता है तो वह अपने आप को उन कामों के लिए दोषी ठहराना शुरू कर देता है जो उसने जाने अनजाने ही अपने या दूसरों के साथ किए थे। इसलिए ऐसा इंसान या तो बिल्कुल भी किसी भी तरह के इमोशंस को महसूस नहीं कर पाता है और अगर कभी किसी इमोशंस को महसूस भी करता है तो वह इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि इसके चलते ऐसा इंसान पूरी तरह से कुछ देर के लिए भावुक ही हो जाता है। इसलिए अगर किसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वह किसी भी तरह के इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसका दूसरा चक्र पूरी तरह से अनबैलेंस्ड या ब्लॉक हो गया है। इसलिए अब अगर तीसरे चक्र सोलर प्लेक्सिस या मणिपुर चक्र के अनबैलेंस्ड या ब्लॉक्ड होने की बात करें तो ऐसा होते ही इंसान के अंदर जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं बचता है और जब किसी के अंदर जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं बचता है तो ऐसा इंसान खुद की नजरों में ही गिरा हुआ महसूस करता है और जब कोई ऐसा करता ही जाता है तो उसकी सेल्फ स्टीम कुछ भी नहीं बचती है और इस समय उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि जो भी उसको कोई कुछ दे दे या उसको जो भी कुछ मिल जाए वह उसी में मजबूरी में ही सही मगर रहना सीख लेता है या इसको आप यूं कह सकते हैं कि इस टाइम इंसान अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी खुद के प्रति ऐसा महसूस नहीं होता है कि वह भी कुछ इस दुनिया में कर सकता है या कोई अपनी इच्छा को वह अपने दम पर पूरा कर सकता है। और जब किसी की हालत ऐसी हो जाती है तो फिर वह दूसरों पर अपना जबरदस्ती अधिकार जताकर उनकी अचीवमेंट्स को अपना बताने की कोशिश करने लगता है और कमाल तो तब हो जाता है जब कोई ऐसा भी नहीं कर पाता है तो वह शर्म के मारे अपने अंदर ही अंदर खोया खोया रहने लगता है और अपनी लाइफ को बिना किसी मकसद के ही जीना शुरू कर देता है। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको बहुत ही क्लियरली समझ जाना चाहिए कि उसका यह तीसरा मणिपुर चक्र पूरी तरह से अनबैलेंस्ड या ब्लॉक हो गया है। इसलिए अब अगर चौथे चक्र हार्ट चक्र या अनाहत चक्र के अनबैलेंस्ड या ब्लॉक होने की बात करें तो जब भी ऐसा होता है तो ऐसा इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है और उसको लगने लगता है कि उसको कोई भी इस दुनिया में प्यार नहीं करता है और इसी कारण से वह किसी से भी लव का कनेक्शन बनाने में पूरी तरह से नाकाम ही रहता है। ऐसे इंसान के अंदर ना ही तो किसी के लव को एक्सेप्ट करने की हिम्मत बचती है और ना ही वह किसी को चाहकर भी दिल से प्यार कर पाता है और ना ही ऐसे इंसान के अंदर किसी के प्रति जरा सी भी दया भावना बचती है। और अगर किसी के लिए थोड़ी बहुत दया भावना बच भी जाए तो वह भी अच्छा ही होता है मगर अपने खुद के लिए तो ऐसा इंसान बिल्कुल भी दया भावना नहीं रख पाता है।
और अपने आप को खराब कंडीशन में भी जानबूझकर जीने के लिए मजबूर करने लगता है, जैसे उसको किसी ने ऐसे रहने के लिए सजा दे रखी हो। और ऐसा इंसान किसी भी ऐसी चीज से अपना कनेक्शन बनाने में पूरी तरह से नाकाम होता रहता है जहाँ से कनेक्शन बनाकर उसके दिल को कोई सुकून मिल सके। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा है और उसको जरा सा भी लव किसी भी चीज के लिए महसूस नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान का चौथा चक्र या तो अनबैलेंस है या पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। इसलिए अब अगर पांचवें चक्र थ्रोट चक्र या विशुद्ध चक्र की बात करें, तो जब भी ये किसी का अनबैलेंस्ड या ब्लॉक होता है, तो ऐसा होने पर ऐसा इंसान अपने दिमाग में ही चलने वाले विचारों, भावनाओं आदि को सही से बयान नहीं कर पाता है। या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा इंसान अपनी बातों को सही से किसी को नहीं समझा पाता है, क्योंकि वह इस तरह के शब्दों का और टोन का प्रयोग करता है कि सामने वाला उसकी बात का मतलब कुछ और ही लगा लेता है। और ऐसा इंसान अपनी क्रिएटिविटी का भी सही से प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको सही से समझ ही नहीं आता है कि क्या उसको पहले बोलना है या करना है, और क्या उसको बाद में बोलना है या करना है। और ऐसा इंसान थोड़ा सा झूठा किस्म का भी बन जाता है, क्योंकि वह जो बोलता है वह करता ही नहीं है, और ज्यादातर उस जगह भी चुप रहना ही सही समझता है जहां उसको बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए अगर किसी के साथ इस तरह की चीजें हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका यह पांचवा चक्र या तो अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक है। इसलिए अब अगर छठे चक्र थर्ड आई या आज्ञा चक्र के अनबैलेंस्ड या ब्लॉक होने की बात करें, तो जब भी किसी के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा इंसान अपने ध्यान को किसी भी चीज पर फोकस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस करता है। उसका मन हमेशा ही चारों ओर भागता रहता है, और वह सही से किसी भी चीज को इमेजिन भी नहीं कर पाता है, और वह किसी भी चीज के बारे में सही से अनुमान भी नहीं लगा पाता है, और जो अनुमान में लगाने की कोशिश भी करता है, वे भी उसके अनुमान गलत ही साबित होते हैं। ऐसे इंसान को कुछ भी ऐसे आइडियाज नहीं मिल पाते हैं जो केवल इसके ही लिए हो और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। ऐसा इंसान हर चीज को बस दिमाग और साइंस के बेस पर ही सच मानने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे इंसान को लगता है कि जो साइंस कहता है बस वही सही है, बाकी सब झूठ है। जबकि ऐसा यह अपनी नासमझी के कारण ही महसूस करता जाता है, और ऐसे इंसान को किसी भी तरह के विजन्स नहीं आते हैं, और न ही ऐसा इंसान किसी तरह की दिव्य शक्तियों पर बिलीव करता है जो कभी उसकी मदद भी कर सकती है। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप सही से समझ सकते हैं कि उसका छठा चक्र या तो अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड है। इसलिए अब अगर सातवें चक्र सहस्त्रार्थ के अनबैलेंस्ड या ब्लॉक्ड होने की बात करें, तो जब भी किसी के साथ ऐसा होता है, तो ऐसे इंसान का संबंध स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक भी नहीं होता है, और ना ही उसको स्पिरिचुअल चीजें पसंद आती है, और अगर पसंद आ भी रही हो तो उसको समझ कुछ भी नहीं आता है। ऐसा इंसान बहुत सी चीजों की शुरुआत तो कर सकता है, मगर उनको पूरा करने के बजाय बीच में ही छोड़ने का आदी हो जाता है। वह इस तरह के डिसीजंस ले सकता है जैसे कि पागल लोग लेते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान हर चीज में कंफ्यूज सा होता हुआ नजर आता है, और इसी कारण से वह कोई भी ठोस डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाता है, और इसका रिजल्ट आखिर में डिप्रेशन ही होता है। और ऐसा इंसान बहुत से भ्रम में रहने का आदि भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी के साथ इस तरह की चीजें हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका यह सातवां चक्र या तो अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो आज आप भी खुद ही हर चक्र के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका कोई चक्र अनबैलेंस्ड या ब्लॉक तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही है, तो आपको उसको ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो सब कैसे करना है, उसके लिए आप सातों चक्रों पर बनी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।